अरे मम्मी आंटी आप आइए आइए बैठिए बैठिए। अच्छा आप यहीं पर बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए पम्मी आंटी जी चाय। थैंक यू। अच्छा और बताइए कैसे आना हुआ? वो मैं ना आपकी बेटी ऋषिका है ना, उसके बारे में बातचीत करने आई हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या बात करना है आपको? आपको पता है आपकी बेटी ऋषिका इतने इतने से कपड़े पहनती है। हाँ तो क्या हुआ, ये तो कॉमन है ना। पर मैं तो मेरी बेटी को नहीं पहनने देती हूँ, मैं तो सूट पहनाती हूँ उसको। अच्छा और पता है आपकी बेटी लड़कों से भी बात करती है बाहर, मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। लड़कों से बात करती है मेरी हाँ। बेटी? नहीं नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बेटी कुछ गलत काम भी कर सकती है। और हाँ अपने बच्चों को ना कभी बास्केटबॉल नहीं खिलाना चाहिए, उससे ना बच्चे बिगड़ते हैं। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मेरा काम तब बताना, सो मैंने बता दिया। ठीक है मैं चलती हूँ, बाय बाय। की लड़की और उनके साथ सेल्फी ले रही थी और कार में भी बैठ के गई उनके साथ। सोचो कल को कोई अनहोनी ना हो जाए या किसी के साथ भाग ना जाए, आप अपनी बेटी को संभाल के रखें। अब ये पम्मी आंटी यहाँ क्या कर रही है? और तो और आपको पता है लड़कों के साथ बास्केटबॉल भी खेलती है आपकी लड़की, सोचिए। ये पम्मी आंटी पता नहीं अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने वाली है, जाकर देख के आती हूँ, पता नहीं किस बात पे भड़का रही है मम्मा को। हे भगवान क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ इस लड़की का, सारे मोहल्ले में मेरी नाक कटाने पे तुली है, मेरी सुनती नहीं है। कल जब मैंने उससे कहा बास्केटबॉल खेलने क्यों जा रही है, कुछ भी नहीं सुनी, उसने अनसुनी करके चली गई मेरी। तो मिसेस नीलू आप
आपकी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कहीं ये ना हो आपकी बेटी आपके हाथ से निकल जाए। मैं तो सच बताती हूँ जो भी बताती हूँ। हे भगवान, ये पम्मी आंटी को कुछ काम नहीं रहता क्या, जो मेरी मम्मा को हरदम भड़काने आ जाती हैं। अरे यार, अब मुझे ना बन्न दीदी को बताना पड़ेगा, तभी इनकी अकल ठिकाने में आएगी। ये पम्मी आंटी, मैं तो चली अब बन्न दीदी के पास। अच्छा मिसेस नीलू, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे पम्मी जी, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेकर आऊँ क्या? अरे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और ऐसे ही आते रहा करिए, आपसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी वैसे भी, ठीक है? ठीक है जी, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़कर आ जाती हूँ। तुम इतनी उदास क्यों हो? यार वंदना दीदी, आज फिर वो पम्मी आंटी मेरे घर आई और मेरे खिलाफ मम्मा को भड़का रही थी। क्या फिर से आ गई ये पम्मी? ओहो, मुझे इस पम्मी का ना कुछ करना ही पड़ेगा। भाई नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना अब तुम्हारे हाथ के बिल्कुल भी चांटे। मेरे पास एक आइडिया है, इधर आओ। अब ये पम्मी आंटी का आउट। अब ना मैं यही आइडिया अपनाऊंगी। बिल्कुल, थैंक यू वंदना दीदी। हाँ, और हाँ ऋषि का, घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाना, कल पम्मी आंटी फिर आएंगी तुम्हारे घर, याद है ना तुम्हें क्या करना है? अच्छे से याद है। बाय बाय, चलो मैं अपना काम करती हूँ। अरे बहन जी, आप आपकी बेटी को पढ़ा लिखा रही हो ना, वही काफी नहीं। आज के जमाने में कौन पढ़ा लिखाता है, और ऊपर से आप बास्केटबॉल खिलाती हो उसको, सोचिए। अरे बेटा तुम? हाँ मैं। अरे ऋषि का बेटा तुम, आज तुम बास्केटबॉल खेलने नहीं गई क्या? मेरा मन, मेरा घर, यहाँ चाहे वहाँ जाऊँ, तुम्हें क्या मतलब? अरे किसको तो सही, आप ये भी करना खेलना पड़ेगा मेरे घर में मेरे सोफे पर। और बताओ, आपके बच्चे तो परेशान नहीं करते? आपको रात में नींद तो बढ़िया आती है ना? हाँ बढ़िया आती है। और आंटी आपको पता है, आपके जो हस्बैंड है ना, दिन भर जुए खेलते रहते हैं, पूरा दिन जुए खेलते हैं। पता है वो बॉल है ना अपने घर के बाहर वहीं पर, और पता है जर्दा भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, और तो और मजा भी करते हैं। अरे नहीं बेटा। अरे आप सुनिए तो सही, आपके जो बच्चे ना वो गेंडे मोटे हाथी जैसे पूरा दिन गली में लौटते रहते हैं, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूजा के हस्बैंड जुआ खेलते हैं? हाँ मम्मा, इनके हस्बैंड जुआ। अरे आप कुछ मत बोलिए, सब पता है मुझे, अपनी आंखों से देखा है मैंने। ओ माय गॉड, ये तो मुझे आज पता चला कि पूजा के हस्बैंड जुआ। अरे अरे बोलिए मम्मा। हे भगवान, ये लड़की तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही है। अच्छा पम्मी आंटी, आप एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये लीजिए पम्मी आंटी, मैंने आपके लिए मुंह हलवा बनाकर लाई हूँ, बहुत मस्त है, खाकर देखिए। और पता है पम्मी आंटी आपको, और आंटी आपको पता है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसका साइज कितना होता है, उसको खेलते कैसे हैं? आपको तो कुछ भी पता नहीं है। और मैं पता है जी, बास्केटबॉल खेलने के अलावा कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, और हाँ मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिमाग है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। और आंटी एक बात और, आप लोगों के घरों में भीख मांगती फिरती हो, आपके पति इतने भी पैसे नहीं कमाते क्या जो तुमको भीख मांगना पड़ता है? और रही बात आपके बच्चों की, तो वो भी वो लड़का है जो बीड़ी पीते घूमता रहता है, और आपकी वो लड़की इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर लड़कों के साथ घूमती है। अरे बेटा मिसेस पम्मी, ऐसा ऐसा होता है आपके घर में? अरे नहीं बहन। अरे अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ठीक है ना, ज्यादा खुद अपने की जरूरत नहीं है। बेटा मेरी बेटी सूट पहनती है और मेरा बेटा कब दारू बीड़ी पीता है? अच्छा आपके बेटे कुछ नहीं करता, आपकी बेटी भी कुछ नहीं करती? अच्छा कुछ भी नहीं करती नहीं। तो फिर मैं क्या करती हूँ? बेटा तुम मेरा झूठ मूठ का क्यों बनाने लग रही हो? अच्छा मैं आपका झूठ
थी वो तो कुछ है ही नहीं। जलीना आंटी आपकी भी, जब मैंने आपकी बेटी की चुगली की आपकी बेटी की चुगली की तो। हाँ बेटा बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई बेटा, मैं आप कभी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है आंटी, मैंने आपको माफ कर दिया, आप भी मेरी माँ जैसी हो, पर मैंने आपको ये सब आपको सबक सिखाने के लिए किया था। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मैं नहीं सीखती सबक भी। पम्मी तुमने अच्छा नहीं किया कि मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ भड़काया। और हाँ मम्मा, अब भी आंटी की बातों में आकर मुझसे बहुत चिल्लाती थी ना, बहुत मुझे भी रोक टोक करती थी। हाँ बेटा मैं तुम्हें कितना डांटती भी थी। हाँ बहन जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, बेटा मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है आंटी, मम्मा आप इनको माफ कर दो क्योंकि इनको इनकी गलती का एहसास हो गया है। पम्मी मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, अब आगे से कभी किसी के साथ या मेरी बेटी के साथ ऐसे झूठ मूठ मत बोलना। नहीं बहन मैं कभी नहीं बोलूंगी, अब किसी के साथ कुछ भी नहीं करूंगी। ये हुई ना बात। थैंक यू बेटा, तुमने मुझे इतनी अच्छी सीख दी। मैं बातों में आ जाती थी बेटा, और मुझे आना चाहिए।